नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा जो पिछला वीडियो था स्वराज कोट का, उसको काफ़ी सारा प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया वीडियो लेकर आए आपके लिए। उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये काफ़ी महंगा है, इसमें इंस्टॉलमेंट होगा या नहीं, या फिर ये इस पर सब्सिडी है या नहीं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन मशीन है, बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ है, जो कि आपके लगभग वही सारे काम जो कोड कर रहा है उतना ही काम ये कर देने वाला है। जो छोटे किसान है जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके लिए तो वरदान बनने वाला है। खड़ी फसल में कोई ऐसा काम नहीं बचेगा जिसको ये मशीन कर नहीं पाएगी। तो और कीमत इसकी जानकर आप शौक हो जाएंगे, आज आपको सदमा लगने वाला है इसकी कीमत सुनकर। तो वाकई में जो इसके काम है उसके हिसाब से इसकी कीमत काफी कम है किसान भाई। और उसके बाद दूसरा सदमा लगेगा जब इसके खर्चे के बारे में आप जानेंगे। वीडियो के लास्ट में हम आपको इसके खर्चा और कीमत दोनों के बारे में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि कितने सारे काम कर सकता है और इसकी क्षमता कितनी है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण मशीन, ऐसे ही महत्वपूर्ण जुगाड़, आपको सही समय पर इनकी जानकारियाँ मिलती रहें। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जिस मशीन की, जिस जुगाड़ की बात कर रहे थे वो ये मशीन है। कितने शानदार इसको डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो इसकी हाइट देखिए, हाइट काफ़ी कम है, करीब 3-3.5 फीट की इसकी हाइट है, और लेंथ भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एकदम छोटी सी मशीन है, सीधा सा हम इसको जुगाड़ बोल सकते हैं। यह डीजल से चलने वाली गाड़ी है, इसको एक गाड़ी बोलो, मशीन बोलो, या फिर बेल बोलो, क्या बोलना चाहेंगे इसका भी आप नाम जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसे क्या कहना चाहिए, क्या नाम देना चाहिए मशीन को, क्योंकि हम तो इसे सिर्फ मशीन बोल रहे हैं, कंपनी भी इसे मशीन बोल रही है। तो अभी हम ये जो मशीन जिनकी है, जो खरीद कर लाए हैं और जो इसे यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने करीब 6 महीने से इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं। तो हम उन किसान से जानना चाहेंगे कि उन्हें ये मशीन कैसे लगी और इन्होंने क्या क्या काम में लिया है, उसके बाद में और क्या काम में आ सकती है, हम इसको आगे फिर बताएंगे आपको वीडियो में। तो किसान भाइयों का आपका परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र पाटिला, ग्राम निसरपुर से, जिलाधार मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ये मशीन कब खरीद कर लाए थे। सर, मुझे ये मशीन को लिए तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। आपने इसको क्या क्या काम में लिया है अभी तक। मैंने जो मेरा लास्ट सीजन की जो क्रॉप थी कॉटन की, कॉटन में एक बार इसमें पंजी चलाई हुई है। अच्छा। और एक बार पास का काम किया हुआ। एक बार आपने पंजी चलाई थी वो मिट्टी को खुरीदने के लिए, दूसरी बार मिट्टी को चढ़ाने के लिए पास का उपयोग किया था आपने, और इसके अलावा कोई उपयोग किया है। अभी डॉलर में मैंने एक बार किया हुआ है सर। अच्छा, डॉलर में भी इसका उपयोग किया था निंदाई गुड़ाई के लिए, पास से ही चलाई थी। तो इसको आपने गीली मिट्टी में चलाया था या सूखी मिट्टी में चलाया। सर, वो सीजन का कॉटन का जो था वो, हाँ, तो रेनी सीजन था। हाँ। तो वो तो गीला था। गीला था, तो गीला में कोई तकलीफ दी इसने चलने में कोई तकलीफ। गीले के लिए सर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी कि ये जो लोहे के जो टायर है, हाँ, इसको निकाल के इसमें रबड़ के टायर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, इसमें जो लोहे के टायर है और इसमें ये पट्टियाँ दी हुई है ताकि इसकी ग्रिप अच्छे से बन सके और ये फंसने और रुकने का काम नहीं करे। लेकिन अगर आप इसको गीली मिट्टी में चलाएंगे, जैसे नरेंद्र भैया बता रहे हैं, गीली मिट्टी में चलाएंगे तो ये जो बीच का गाला है ये पूरा पैक हो जाएगा, इसके अंदर मिट्टी धस जाएगी, इसके कारण ये स्लिप मारने लगेगा। तो जब अगर आप गीली मिट्टी में इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसी के साथ में रबर के टायर भी आते हैं, आप उनका उपयोग करें। अभी ये कितने HP का इंजन है। सर, कंपनी बताती है ये 5 HP का इंजन है। 5 HP का इंजन, बट ये जो लोहे के टायर जो है, हाँ, अगर इस पे अगर चलाते हैं और ये पुलियों का उन्होंने सेटअप ऐसा कुछ किया हुआ है, हाँ, तो वो 8 HP के आसपास का जनरेट करता है। नया बंदा भी आएगा जिसको, अच्छा, ज्यादा हैबिट ना हो कोई काम, जिसको ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल, हाँ, दोनों नहीं चलाती आती वो भी इसको चला सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब उसको कोई ट्रेनिंग की या सीखने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई, अगर आपके घर में कोई मजदूर पहले से काम कर रहा है, जो बेलों के उपयोग से आपके खेत में निंदाई गुड़ाई कर रहा है, वो भी इस मशीन को आसानी से चला सकता है। और अगर किसी को बेल नहीं चलाना आ रहा है वो भी इसको चला सकता है। जी, इसमें कोई मतलब मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, इसको चलाने के लिए। इसमें सिर्फ एक रिवर्स गियर दिया हुआ है, एक फॉरवर्ड गियर दिया है। अच्छा, ये वाला रिवर्स गियर है, इस क्लच को दबाइए, ट्रैक्टर पीछे की तरफ आने लग जाएगा कल्टीवेटर, और ये फॉरवर्ड का है, इसे दबाइए, ट्रैक्टर आगे की तरफ जाने लगे। ये एक्सीलेटर है, इसकी मदद से इसकी गाड़ी की रेस कम और ज्यादा की जाती है। तो अभी ये पूरा 0 स्पीड पे, अगर हम इसको जितनी भी स्पीड पे सेट करना चाहे उतना सेट कर देंगे, और जब तक ये क्लच नहीं दबेगा तब तक ये आगे नहीं जाएगा। इसमें कितने क्या क्या अटैचमेंट लग जाते हैं सर। इसकी कंपनी की एक खासियत है कि इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया हुआ, हाँ, ये जो पाइप है होल वाला, बेल जोड़ी का जो सिस्टम रहता है सेम वही सिस्टम है। अच्छा, तो बेल जोड़ी के ऊपर हमारे जो खेती किसानी में जो कामकाज आते हैं, हाँ, जैसे पास हुई
इसमें सिड्रिल के लिए जो दाते हुए हैं या फिर पंजी के जो दाते हुए हैं, हाँ। वो टोटल एक ही पाइप पर आप सेट कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट के लिए अलग अलग कोई अटैचमेंट नहीं लगाना लगाने की कोई जरूरत। ये जो पाइप दिया हुआ है किसान भाइयों, ये जो पाइप है इसी में सारे अटैचमेंट लगते हैं। इसमें पंजी भी लग जाएगी, आपका सिड्रिल भी इसी पे सेट होता है, और पास अभी लगी हुई आप देख रहे हैं। इसी के साथ में इस मशीन से स्प्रे भी कर सकते हैं आप। स्प्रे का साधन भी इस पे दिया हुआ है, तो वाटर पंप को पावर इससे ही मिलेगा, इस इंजन से मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, आपकी वाटर टैंक को लेके चलने का भी काम यही करेगा, और साथ ही साथ जो आपका स्प्रे पंप है उसको पावर भी यही देगा। तो स्प्रे का काम भी काफी आसान होने वाला है। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसको मिनिमम सर 3 फीट के गाले में चला सकते। अच्छा, अगर इसकी बात करें ना किसान भाइयों, तो जो गाला हमारा है कम से कम 3 फीट की चौड़ाई में इसको चला सकते हैं, ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट। अच्छा, इसमें एक और सुविधा देती है कंपनी, अभी इस पर यहाँ पर खड़े होने का साधन भी कंपनी बना कर देती है। ये जो अटैचमेंट है ये थोड़ा बाहर तक आएगा और इसके ऊपर आप खड़े होकर भी इसको चला सकते हैं। भारत है जुगाड़ों का देश है, अगर आप इस पर जुगाड़ करना चाहें तो इस पर चेयर भी लगा सकते हैं बैठने के लिए। अगर आप इस पर चेयर लगा कर बैठ कर भी चलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने अपने जुगाड़ है। ये जितने भी इक्विपमेंट है ये सब अलग से लगवाने पड़ते हैं, कंपनी साथ में नहीं देती। कंपनी पास और पंजा देती है, हाँ। सिड्रिल वगैरह जो अटैचमेंट है वो अलग से लेने पड़ते हैं। तो ये आपका पंजी का काम भी करेगा, बक्खर चलाने का काम भी करेगा, साथ ही साथ स्प्रे भी करेगा, और स्प्रे के अलावा मिट्टी चढ़ाने का काम और सिड्रिल का काम भी करेगा। इतने सारे आपको ये काम कर देने वाला है। इसका भी अगर हम खर्चे की बात करें तो ये कितना खर्चा लेती है एक घंटे में चलने में? ये तकरीबन 300 ml डीजल लेती है एक घंटे में। क्या बात है किसान भाइयों, हमने बोला था आपसे कि आप इसका खर्चा जानकर चौंकने वाले हैं, आप चौंक जाएंगे। मात्र 300 ml प्रति घंटा की दर से ये चलता है। 300 ml डीजल यानी आज की अगर कीमत की बात करें तो लगभग 100 रुपये लीटर का आपका डीजल है, और 300 ml ले रहा है, मात्र 30 रुपये घंटा इसका खर्च आने वाला है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में, जो 300 ml है कौन सी कंडीशन में ये खर्चा लेगा? ये एनी हाउ कंडीशन में सर। अच्छा, मतलब कितने भी लोड पे हम इसको चला सकते हैं, जैसे रहेगी नमी में हल्का सा 50 ml ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसको कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं बोलते किसान भाइयों, 300 ml या 350 ml कोई बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होता है। मात्र 300 ml यानी कि 30 रुपये घंटे में ये मशीन चलने वाली है। आप सोचिए, अगर हम मार्केट से कभी बेल किराए से लाते हैं तो हमारे यहाँ पर जो खर्चा है, हम आज उसकी बात करेंगे। आपके यहाँ जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर हमारे यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 या 2 बजे तक अगर हम बेल किराए से लेकर आते हैं, और अगर बेल चलाने वाला भी उन्हीं का आदमी है, तो करीब 1400 रुपये का एक दिन का खर्चा है। ये एक घंटे में 1 बीघा निकालता है सर। 1 घंटे में 1 बीघा यानी कि अगर एकड़ से निकाले तो वैसे तो 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है, उसके हिसाब से 1.5 घंटे ही हो रहा है, लेकिन हम 2 घंटे भी माने तो ये अगर 6 घंटे भी चल रहा है तो 3 एकड़ का काम मात्र 210 रुपये में आपका 3 एकड़ का काम करके देगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी जोड़े तो 250 रुपये बहुत हो गया बराबर। तो आपको 250 रुपये में करीब 3 एकड़ का काम करके देने वाला है। तो अब बारी आती है नरेंद्र भैया इसकी कीमत की। हमने इसके फीचर बता दिए किसान भाइयों को, इसके सारे क्या क्या काम करना है, इसका खर्चा भी बता दिया कि। तो अब आप इसकी कीमत के बारे में बताएं किसान भाइयों को कि आपने इसे कितने में खरीदा और घर तक आपको ये कितने में पड़ा है। सर, कंपनी से मैंने इसको 68,000 रुपये में खरीदा था। 68,000 रुपये में, और 8,000 रुपये इसके ट्रांसपोर्टेशन लगी थी। अच्छा, 8,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लग गया। कितने किलोमीटर होगा आपके यहाँ से? यहाँ से राजकोट है तकरीबन 650 से 700 किलोमीटर, मतलब 76,000 रुपये का आपको खर्चा लगा है। 76,000 में ये यहाँ तक पहुँच गया है। तो देखिए किसान भाइयों, कीमत की बात हमने पहले ही बताई थी कि कीमत जानकर भी आप चौंकने वाले हैं, तो कितनी कम कीमत है। तो कंपनी है, उनका पूरा पता, उनका कॉन्टेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अगर चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए, और भी कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्ट कंपनी के ऑनर से बात कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों, तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भैया आपका।